हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लोकेशन बहुत चेंज है, जस्ट मैं अपनी कबर्ड के पास खड़ी हूँ क्योंकि मैं अपने कुछ कपड़े लगा रही थी और मैंने आप लोगों को अपडेट भी किया था कि मैंने कुछ शॉपिंग की है, व्लॉग में भी अपडेट किया था एंड आई थिंक मैंने जो सेल हुई थी उसका अपडेट भी कम्युनिटी टैब पे किया था क्योंकि वो मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाद में आप लोग मुझे गालियां दोगे। मुझे पता नहीं चला दिवाली मेला पे जैसे हुआ था, दिवाली मेला का मैं अपडेट नहीं दे पाई थी क्योंकि मुझे ही लास्ट मोमेंट पे पता चला था। तो मैंने शॉपिंग की है H&M से। मैंने कुछ बाद में भी की थी और कुछ पहले भी कर ली थी क्योंकि मैंने कुछ कपड़े अपने बड़े व्लॉग में भी पहने थे एंड कुछ मैंने किए सिफोरा से एंड केयरफोर से। कुछ क्या सिफोरा से, तो मैंने एक आइटम लिया है, एक या दो आइटम लिए। बेसिकली केयरफोर की जो मैंने सेल आप लोगों से शेयर की थी जिसमें था 50% ऑफ ऑन एवरीथिंग लॉरियल एंड लैक्मी पे यस सेल थी, तो वो सारी लॉरियल एंड मेबलिन पे सेल थी, तो वो मैंने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स यहाँ पर स्टोर कर लिया। मैं वन बाय वन आपको दिखाऊंगी और अगर मेरी सांस से आपको लग रहा है कि मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ तो यस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप हॉल शेयर करना या जो जो लिया है वो शेयर करना, तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। तो चलो पहले मैं H&M की दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले ली है मैंने ये ड्रेस, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने कुछ फिटिंग वाली ड्रेस ली है बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई वेट, देखते हैं कब कम होगा, लेकिन हाँ इसकी फिटिंग ऐसी है कि अभी भी मुझे सही आ रही है तो ये मैंने ले लिया है। और इसके अंदर मैंने कोई टमी टकर वगैरह नहीं पहना, उसके बाद भी मुझे इसकी फिटिंग वगैरह ये सब बहुत अच्छी लगी। तो इस तरह की एक ये ड्रेस है, आप आई थिंक देख सकते हो ये नीचे तक जा रही है, इस तरह की एक डिजाइन है, यहाँ पे नॉट सॉर्ट ऑफ लगी है बट इट लुक सो प्रिटी, स्टेप्स है इसमें, तो अगर मैं बाहर जाऊंगी तो डेफिनेटली मैं ऐसे ही पहन सकती हूँ इसको, लेकिन अगर मैं कुवैत में पहनती हूँ तो ऑब्वियसली आई हैव टू वेयर सम शर्ट और एनीथिंग, लेकिन इसकी लेंथ इतनी सही है कि अगर मैं नीचे लेगिंग नहीं पहनती हूँ देन ऑल्सो आई कैन गो आउट। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना शॉर्ट कितना कुछ पहन सकते हैं, तो नी लेंथ तक आप पहन सकते हो यहाँ पर, ऐसी शॉर्ट्स वगैरह जैसे एकदम डेनिम शॉर्ट्स वगैरह होते हैं ना वो नहीं पहन सकते हो। तो ये एक ड्रेस है और इसका जो प्राइस मैंने पे किया है, एवरीथिंग वॉज बाय 3 get 3, यानी 6 आइटम आपको लेने पड़ेंगे, 50% ऑफ है लेकिन 6 आइटम मिनिमम आपको लेने पड़ेंगे। तो कई बार मुझे इस तरह की सेल पसंद नहीं आती है जहाँ 6 आइटम लेने पड़े, मतलब कई बार मुझे जरूरत नहीं है बट फाइनली मुझे मिल गए कुछ। तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है दैट इज 16.9 ऑलमोस्ट 17 KD, यानी 3500 की ड्रेस है, 3600 की ड्रेस है जो मुझे मिली 1600 रुपीज, यानी 8 KD में मुझे ये ड्रेस मिली, सो दैट इज रियली रियली अ गुड डील। उसके बाद एक और आइटम है जो आप लोग देख चुके हैं थोड़ा बहुत, और फुल लुक जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये है मैक्सी गाउन इस तरह की। और मैक्सी गाउन्स, आई लव मैक्सी गाउन्स क्योंकि एक ऐसी कंट्री में मैं रहती हूँ जहां पर ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आउटफिट है। एक तो यहाँ पर गर्मी है तो गर्मी में मैक्सी गाउन्स आर वेरी कंफर्टेबल, इसके नीचे आप लेयरिंग है तो ऐसा कुछ पहनने की भी जरूरत नहीं है, इट इज वेरी थिक लेयरिंग। और उसके बाद यहाँ पर मैक्सी गाउन्स बहुत पहनते हैं, बहुत ज्यादा, जैसे सूट वगैरह तो हम इंडियंस ही पहनते हैं बट मैक्सी गाउन्स वर्ल्ड वाइड जहां के भी लोग हैं यहाँ पर सारे पहनते हैं, तो मैक्सी गाउन्स जो है ना वो मुझे काफी से लगती है। एंड इसमें जो है स्टेप्स हैं, लेकिन स्टेप्स जो है ना वो बिल्कुल ऊपर तक हैं, यहां तक नहीं है, तो मेरे बालों से भी छुप जाती हैं कई बार, बट इन केस अगर मुझे कुछ पहनना है तो मैं हल्का सा इसमें शर्ट डाल सकती हूँ, अदरवाइज इसका नेक वगैरह सब कुछ बहुत कंफर्टेबल है। आई लव दिस प्रिंट, हाय मुझे एक बीच वेकेशन की जरूरत है, बीच वेकेशन गाइस, मेरे थोड़े चाला हो रहा है तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, ठीक है, मेरा थोड़ा एक्सेंट बिगड़ सकता है। तो ये है इसका जो मटेरियल है दैट इज लिटिल बिट सैटन बट इट इज अ कंफर्टेबल वन, तो ये है मैक्सी गाउन। और इसका जो साइज है ना वो मैंने स्मॉल लिया है क्योंकि मुझे स्मॉल आ गया था, आई एम सो हैप्पी। और इसका जो प्राइस मैंने पे किया है दैट इज 5 KD, यानी 1000 रुपीज। और ये सारे आइटम ना सेल वाले आइटम्स थे जिन पे बाय 3 get 3 था, तो ऑलरेडी सेल में थे उस पर और ज्यादा डिस्काउंट, तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिला है मुझे। उसके बाद एक और टॉपर है जो मैंने अपने बर्थडे ब्लॉग में पहना था, ये कुछ आइटम्स मैंने पहले ले लिए थे तो मैंने सोचा बाद में एक साथ ही हॉल कर दूंगी। तो ये है टॉप, इस तरह के टॉप्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली फॉर कर्वी बॉडी ये बहुत सही लगते हैं, यहाँ से फिटिंग के और यहाँ से थोड़ा सा लूज, तो इस तरह के टॉप्स मुझे बहुत सही लगते हैं। और ये जो मटेरियल आ रहा है ना अभी H&M पे, ये थोड़ा सा सेटिन वाला, ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। सबसे अच्छी बात है
थिक है इसमें। अगर मैं डायरेक्ट यू नो अपने इनर वेयर के ऊपर ये पहनती हूँ, आई डोंट नीड एनी स्पेक्टिव एनीथिंग, तो मैं डायरेक्ट पहन सकती हूँ, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा कपड़ा आने लग गया था H&M का जिसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ पहनना पड़ता था स्पेक्टिव वगैरह। और उसके बाद इसमें है नॉट, यहाँ पर गले पे नॉट आएगी। इसकी लेंथ वगैरह बहुत सही है, इसका जो साइज है मेरा वो आई थिंक लार्ज ही होगा या एक्स्ट्रा लार्ज होगा, हाँ 16 है इसका। और इसका प्राइस जो है वो ओनली 3 KD में मैंने लिया है, और ये सारे 70% ऑफ थे, तो आई थिंक 3 KD का है, तो 9 KD का होगा या 10 KD का। उसके बाद मैंने ये वाला टॉप लिया है, ये वैसे तो बहुत चल रहा है 3-4 साल से, बहुत ज्यादा चल रहा है, बट क्योंकि मेरे कुछ 4 आइटम हो गए थे, 5 हो गए थे, और मुझे लास्ट एक पिक करना था। जनरली मैं इस तरह के ऑफ शोल्डर वाले कुवैत में पहनना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वो ऑड लगता है, लेकिन फाइनली मैंने मुझे चूज करना था एक, और कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने पहना तो मैंने देखा कि इसका जो ये गला है, जो नेक है, वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रहा, तो इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा। एंड इट इज वेरी वेरी कूल, मतलब कई बार देखने पे नहीं लगता बट पहनने के बाद इट इज सो कूल, वेरी वेरी गुड फिटिंग फॉर कर्वी गर्ल्स। तो ये भी मैंने 3 KD में लिया है। उसके बाद रिसेंटली आप लोगों ने अभी मुझे देखा था सर्वना भवन वाले व्लॉग में कि मैंने ये टॉपर डाला हुआ है जहां पर मैं बीच पे गई थी, तो ये भी मैंने H&M से लिया है। काफी लड़कियों को ये पसंद आया था एंड दैट क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड। ट्रांसपेरेंट इतना नहीं है तो हल्का सा पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहनेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आई लव द होल लुक ऑफ दिस टॉप। शॉर्ट है, स्कर्ट्स के साथ भी बड़ा अच्छा जाएगा, जीन्स के साथ भी बड़ा अच्छा जाएगा, एंड अगर प्लाजोस हैं तो उसके साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। तो इतनी अगर स्लीव्स हैं तो मुझे कोई भी कुछ एक्स्ट्रा कवर करने की जरूरत नहीं है, आई कैन गो विद दिस। तो इस तरह के टॉपर्स इजीली कुवैत में चल जाते हैं, तो जहां पर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं अपने लुक को। सपोज कुछ लोग थोड़े से मॉड हैं, स्लीवलेस पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, इस तरह के टॉप्स आप ले सकते हैं, इजिली कुवैत में सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ जो है वो हैंगर्स पे लगा दिए हैं, तो उसके बाद ये नेक्स्ट टॉप है, और इससे मिलता जुलता ना मेरे पास एक और लुक था। अगर मैं अभी वॉक पे निकलने वाली हूँ तो मैंने ये टी शर्ट डाली हुई है, डिकैथलॉन की ये टी शर्ट ली थी, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो जस्ट मैं वॉक पे जा रही थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं फटाफट से हॉल कर दूं। और उसके बाद मैंने ये टॉप लिया। इस टॉप में जो खासियत है ना वो है इसकी स्लीव्स, मुझे ये अम्ब्रेला स्लीव्स बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही गर्दिश लगती है, और इसके साथ में है ये इस तरह की प्लीट्स, तो बेसिकली प्लेन पैटर्न है, प्लेन लुक है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें डिजाइन देके थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दिया इस टॉप का। ये वाले टॉपर्स जो हैं वो बहुत सही रहते हैं, स्पेशली अगर आपको बच्चे के स्कूल जाना है या मुझे कहीं सेफ प्ले करना है, बेसिकली जहां मुझे स्लीवलेस नहीं चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, गला भी ठीक होना चाहिए, हॉस्पिटल वगैरह, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह, तो इस तरह के टॉप्स मैं हमेशा रखती हूँ। और ये जीन्स के साथ बस इसको डालो हो गया, इसके ऊपर ब्लैक सिल्वर ज्वेलरी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो आई लव दिस टॉप। बहुत ही कैजुअल से बहुत ही इजी है, सच बताऊं तो कुवैत में इस तरह की ही ड्रेसिंग ज्यादा चलेगी। अगर आपने ओवर फैंसी ले ली है ना, मेरे पास भी पड़े हैं, वो पड़े ही रह जाते हैं, जब आप कहीं ट्रिप पे जाओगे तभी जाके यूज होते हैं। इस तरह के टॉप्स, जीन्स, प्लाजोस, कैजुअल्स जितने होते हैं ना वो आपके बहुत जल्दी यूज होंगे, और जो फैंसी है वो रखे रहेंगे अलमारी में। तो मेरा ये रहता है कि आजकल मैं इस तरह के टॉप लूं, बाहर जाती हूँ तो शॉर्ट्स के साथ डाल लेती हूँ, कुवैत में रहती हूँ तो जीन्स के साथ डाल लेती हूँ। तो ये भी 3 KD का है और पहले वाला भी 3 KD का था। उसके बाद मैंने लिया है, तो ये हो गए मेरे 6 पीसेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद ना मुझे एक ये टी शर्ट सिंपल सी प्लेन ये अच्छी लगी, ये नाइट वेयर में बहुत कंफर्टेबल लगती है, बहुत ज्यादा। और ये आप प्राइस सुनेंगे, ये सिर्फ 1.5 KD की है, जबकि इसका ओरिजिनल प्राइस वाज आई थिंक 6 or 7, और ये सिर्फ 1.5 KD यानी 300 रुपए में ये टी शर्ट मिल गई। थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है तो चल जाती है, नाइट वेयर के लिए मैं लेकर आई हूँ, और बहुत बहुत ज्यादा, क्योंकि इस तरह की टी शर्ट्स मैं पहले भी आई थिंक 3-4 यूज कर चुकी हूँ, हर साल मेरी एक रिटायर हो जाती है, बहुत बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहती है स्पेशली इन समर। तो ये हो गए मेरे H&M की हॉल। अब मैं दिखाती हूँ मेरी सिफोरा की हॉल, आई लव सिफोरा पैकेज। तो सिफोरा का मैंने एक तो लिया है मेरा लिप कलर, जो मैंने आप लोगों को बीच में दिखाया था कि मैं कौन सा लिया है, जिसमें मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ज्यादा मजाक भी बनाया था। तो ये वाला सिफोरा का लिप शेड मैंने लिया है गाइस, और इसका जो नाम है वो 01 है, ये मतलब इतना फेमस है ना कि 1 के नाम से सिफोरा का।
लिक्विड मैट लिपस्टिक 01 इज सो फेमस, सो फेमस। तो ये शेड लिया है मैंने और मेरे बहुत टाइम से मेरी आंखों में था ये कि मैं कब ले लूं इसको। मेरी हालत देखो, मेरी तबीयत खराब है कि मेरे नेल पेंट्स ये तो टूट ही गए। क्रीम लिप स्टेन इसको बोलते हैं, बहुत ही बेसिक सी पैकेजिंग है, सब कुछ है, लेकिन जब इस पे सिफोरा लिखा होता है तो कुछ अलग सा हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह का लग रहा है, आई जस्ट लव दैट। स्पेशली इंडियन स्किन के लिए रेड कलर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ब्राउन स्किन पे रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रेड कलर में भी एक पर्टिकुलर रेड कलर ही अच्छा लगता है। कुछ तो बहुत ही गंदे लगते हैं और मुझे मैट में रेड कलर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक ग्लॉसी रेड कलर, पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, उसके बाद सिफोरा में जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो कुछ फ्री आपको सैंपल्स मिल जाते हैं, लेकिन वो अपने आप से नहीं देंगे। मैंने सिफोरा से पहले बहुत शॉपिंग की थी और मुझे पता नहीं था, लेकिन इस बार मैंने उससे ले लिए। बहुत अच्छे ब्रांड है क्लियरेंस करके, इसके मुझे 3 सैंपल्स मिले हैं। तो अगर आपको मेकअप लेना है तो आप सिफोरा से ही लो और कुछ ना कुछ आप को मिल जाता है, क्यों फिर आप इंडिविजुअल किसी स्टोर से लो। सिफोरा में सारे ब्रांड्स हैं, हुडा से लेके सारी ही चीजें हैं, सारे ब्रांड्स हैं। तो ये है मल्टी एक्टिव न्यूड्स और ये है फाइन लाइंस के लिए नाइट क्रीम है इनके। अगर आपको रिव्यूज चाहिए तो मुझे बताना, जैसे कि आपको अगर बड़ी वाली पैकेजिंग चाहिए तो आप ले सकते हो, इसको मैं ट्राई करूंगी। ये है ब्लू ऑर्किड ट्रीटमेंट ऑयल, स्किन केयर के हैं सारे। और ये है रिंकल कंट्रोल फर्मिंग डे क्रीम। तो ये है 3, इसके मैं जल्दी आपको बताऊंगी। उसके बाद मैंने लिए हैं ये मेकअप आइटम्स, ये सारे हैं केयर फोर से और मैंने लिए हैं लॉरियल एंड मेबेलिन का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लॉरियल का मैंने ये सीसी क्रीम लिया है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, जस्ट मैंने थोड़ा सा अप्लाई किया, मुझे लगा ठीक है डेली यूज के लिए थोड़ा बहुत मुझे चाहिए तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा इसकी कवरेज नहीं है। एंड माई शेड इज मीडियम। लॉरियल बोंजोर न्यूस्टा अवेकिंग स्किन टिंट है बेसिकली ये। यस, तो ये थोड़ा सा ग्लो देगा, थोड़ी सी कवरेज है, बहुत माइल्ड सी, लेकिन ग्लो बहुत ज्यादा देगा एंड प्राइमर का काम करेगा। अगर आप इसके ऊपर भी फाउंडेशन वगैरह कुछ बिल्ड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये लिया है मैंने और ये सारे 50% ऑफ में थे। प्राइजेस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैंने लॉरियल का लिया है ये इनफॉलिबल 24 आवर्स पाउडर फाउंडेशन। पाउडर फाउंडेशन में मैं का यूज करती आई हूँ अभी तक, आप लोगों को पता है मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन, उसके रिव्यू भी मैंने दिए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ये लिया। मैंने सोचा क्यों ना मैं ये ट्राई करूं, बट ये शेड जो है ना वो थोड़ा सा लाइट है। इससे नीचे वाला ले रही थी तो डार्क हो रहा था, ये वाला ले रही थी तो लाइट हो रहा था, बट मैं इसे बिल्ड कर देती हूँ। और इसका सबसे ज्यादा ड्रॉबैक है ये है, इसके बाद यहाँ पर ये पाउडर है और इसके नीचे मिरर है, उसके बाद स्पंज। मतलब बार बार पाउडर लो, बार बार मिरर देखो, बार बार पाउडर लो, मतलब व्हाट इज द लॉजिक मैन। उसके बाद ये स्पंज तो बिल्कुल ही वेस्ट है, मैं आपको यहीं थोड़ा बहुत रिव्यू दे देती हूँ। स्पंज बिल्कुल किसी काम का नहीं है, आप लोगों को मे भी अच्छा लगे, लेकिन मैक का जब आप यूज कर लेते हो ना स्पंज, रियली ये तो बहुत ही बेकार लगेगा। बट द पाउडर, इसकी जो कवरेज वगैरह है वो अच्छी है और ड्राई स्किन के लिए भी ठीक है, लेकिन हाँ इसमें इतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं है जो कि मैक के पाउडर प्लस फाउंडेशन में, बट ऑब्वियसली यार रेट भी इसकी कम है। उसके बाद मैंने लॉरियल का ये लिया है एक अल्ट्रा मैट लिक्विड लिपस्टिक और मैं इसे अप्लाई भी किया है, और इसका शेड ये वाला है, ये इस तरह का शेड है। मैं आजकल कुछ न्यूड शेड्स वगैरह भी रख रही हूँ, जैसे कि मैं थोड़ा सा यू नो एक्सपेरिमेंट करूं, तो इस तरह का शेड है। लेकिन अगर मैं इसका आपको रिव्यू दूं तो मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लगी, इट इज लिटिल बिट स्टिकी, तो मुझे इस तरह की लिक्विड लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती। अच्छा, लॉरियल की मैंने ये लिपस्टिक ली है, ओ माय गॉड ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। ये है कलर रिच अल्ट्रा मैट नो लाइज करके इसका नाम है और ये है इसकी पैकेजिंग। ये इतनी अच्छी लग रही है मुझे, कंटिन्यूअसली मैं यूज कर रही हूँ। दिस इज द कलर, ओ माई गॉड आई एम कंटिन्यूअसली यूजिंग दैट। दिस इज द शेड, दिस इज परफेक्ट न्यूडिश पिंकिश कलर फॉर ब्राउन स्किन टोन। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है आपको डार्क पिंक, लेकिन जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो बिल्कुल न्यूड कलर जैसा आता है। एंड आई जस्ट लव दिस लिपस्टिक, इतनी कंफर्टेबल है, इसका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, सुबह लगाती हूँ शाम तक चलती है, कोई क्रैक्स नहीं आते, कुछ भी नहीं, बहुत बहुत ज्यादा है। इट इज नॉट ग्लॉसी, इट इज नॉट दैट मैट, ये बीच की सी है, तो आपके जो इस जो लिप्स हैं वो ड्राई भी नहीं होंगे और हटेगी भी नहीं लिपस्टिक। सो दिस इज द बेस्ट लिपस्टिक, मे बी मैं इसके और ज्यादा शेड्स लूं।
उसके बाद मैंने मेबलिन की दो चीजें ली हैं, एक तो ये है मस्कारा, ये है बिग शॉट मस्कारा और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। सबसे अच्छी बात है बहुत इजीली रिमूव हो जाता है, तो ये मस्कारा है, ये मैं करंटली यूज कर रही हूँ और ये सारे ही 50% ऑफ में है मेबलिन के भी। अच्छा, उसके बाद ये मेरा फेवरेट मेबलिन एज डिवाइन कंसीलर, ये मेरा थर्ड पैक है और इसका जो शेड है वो है मीडियम मोइन और ये मेरा फिनिश हो गया था इसलिए मैंने ये दूसरा लिया है। सो गाइज, ये है आज की हॉल, आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। कैसी लगी है, किस तरह की लगी है, कौन सा अच्छा लगा आपको और आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो सारी चीजें मुझे बताना, कहाँ कहाँ पर सेल चल रही है वो भी बताना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जानना, लूं या नहीं लूं वो एक अलग चीज है लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कौन सी चीज नई आई है और कौन से प्रोडक्ट अच्छी रेंज में। टिल देन बाय बाय, सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, आपको पता है सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना यार और कमेंट करके बताओ किस कौन सा आइटम आप लोगों का फेवरेट है इसमें से, कपड़ों में भी और मेकअप में भी, और कौन सी चीजें आप पसंद करते हो। जैसे पाउडर है, मैं भी थोड़ा सा पाउडर में एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जैसे मैक का थोड़ा एक्सपेंसिव है तो आप मुझे बताओ कि आप कौन सा यूज करते हो जो आपके लिए बेस्ट है। तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो इंडियन यूट्यूबर शिल्पी, मेरा दूसरा चैनल है कुवैत यूट्यूबर शिल्पी, वहां पर भी आप मुझे फॉलो करो। टिल देन बाय।